आठवीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती पहली इकाई में हम देखते हैं पहला पाठ। यह है एक कविता हे मातृभूमि। प्रस्तुत कविता में कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। उन्होंने अपने प्राण और देश हित में उनकी सेवा करने का अपना जो भाव है वो व्यक्त किया है। तो आइए देखते हैं प्रस्तुत कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। ये जहां जहां मैंने ये कठिन शब्द हैं उनके नीचे मैंने रेखा खींची है जिन्हें हम आगे शब्दार्थों में देखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, हे धरती माँ, तेरे चरणों में मैं अपना शीश झुकाना चाहता हूँ। मैं अपने भक्ति को भेंट स्वरूप तुम्हारी शरण में लेकर आया हूँ। मेरे माथे पर सदा तुम चंदन के रूप में विराजमान हो और मेरे हृदय में फूलों की माला बनकर सदैव सुशोभित रहे। मेरे जीभ पर सदा तेरे ही गीत रहें और मैं सदा तुम्हारा ही नाम जपता रहूं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सपूत यानी सुपुत्र, निज ने खुद का, पदरज ने चरणों की धूल। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, जिस धरती पर श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों ने जन्म लिया हो, मैं ऐसे धूल को सदैव अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ, अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। हे माँ, समुद्र जिनके चरणों को धोकर रोज प्रणाम करता है, ऐसे चरणों को मैं दबाना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाऊ। तजकर यानी छोड़कर। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, हे माँ, मैं सारे भेदभावों को भूलकर सिर्फ तेरे ही गुण गाना चाहता हूँ। जिसकी जुबान पर पुण्य नाम हो तेरे जैसा, मैं उन्हें ही नित्य सुनना चाहता हूँ और सबको सुनाना चाहता हूँ। मैं सदैव तेरे ही सेवा में अपने को अर्पित करना चाहता हूँ, तुम्हारे ही मंत्र में गाना चाहता हूँ। मैं अपना मन और तन केवल तुम्हारे ऊपर बलिदान करना चाहता हूँ, तुम्हारी ही सेवा में अपने प्राणों को निछावर करना चाहता। आइए अब हम देखते हैं कविता हे मातृभूमि के प्रश्न उत्तर। ये कल्पना पल्लव में पहला प्रश्न है, मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, इस कथन पर अपने विचार लिखो। तो मैंने ये इसका उत्तर तैयार करके रखा है जो यहाँ पर कॉपी पर है। कर्तव्य शब्द का मतलब उन कामों से होता है जिन्हें मनुष्य बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से करता है, जैसे माता पिता की सेवा करना, संतान की देखभाल करना, सत्य बोलना आदि, ये सब इंसान के कर्तव्य हैं। इसी प्रकार जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, जिसकी धूल मिट्टी में हंसते खेलते हम बड़े हुए हैं, जिसके अन्न जल को ग्रहण करके हमारे शरीर और मस्तिष्क का विकास हुआ है, उसके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है। जन्मभूमि की संस्कृति और परंपराएं हमारे चरित्र के निर्माण में कुछ प्रमुख भूमि अदा करती हैं। अपनी मातृभूमि के लिए जरूरत पड़ने पर हमें अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। अपना जीवन अर्पण करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, यही हमारा परम कर्तव्य है। तो कवि कहते हैं, हरेक व्यक्ति का अपने मातृभूमि के प्रति कोई ना कोई कर्तव्य होता है जिसे हमें पूरा करना है। अब ये दूसरा प्रश्न देखते हैं, सूचना के अनुसार कृतियां करो। तो पहला है मातृभूमि की विशेषताएं,
तो आइए देखते हैं हम मातृभूमि की क्या क्या विशेषताएं हैं। उत्तर, इसने श्री राम और कृष्ण जैसे सपूतों को इस धरती पर जन्म दिया है। समुद्र रोज इसकी चरणों की धूल को धोता है। समुद्र इसे नित्य प्रणाम करता है। मातृभूमि का पुण्य नाम है। तो कृति पूर्ण करो में दूसरा है, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। तो क्या अर्पित करना चाहता है? कवि अपनी मातृभूमि के प्रति मन और तन अर्पित करना चाहता है। अभी तीसरा प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला है, कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो। तो किसके गीत होने चाहिए कवि की जिह्वा पर? मातृभूमि के। दूसरा है, मातृभूमि के चरण धोने वाला? उत्तर है समुद्र। तीसरा, मातृभूमि के सपूत? उत्तर श्री राम और कृष्ण। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम? पुण्य नाम। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है? उत्तर है शीश नवाना है। अभी ये चौथा प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। तो सेवा में तेरी यहां से लेकर बलिदान में जाऊं, तो आपको ये कविता की पंक्तियां याद करके इन्हें पूर्ण करना है। जो मैंने यहां कॉपी में लिखा है इस प्रकार आपको पूर्ण लिखना है। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाऊ। तेरे ही काम आऊं तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। अब ये उपयोजित लेखन में है, शब्दों के आधार पर कहानी पूर्ण करो। तो यहां पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। तो आप लोगों को इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखनी है। तो मैंने एक कहानी तैयार की है जो मैं आपको बताती हूं। कहानी, मीरा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर गांव में एक भी स्कूल नहीं था। उसके माता पिता ने मीरा का शौक देखते हुए उसे पढ़ने के लिए पास के कस्बे में भेजा। नया स्कूल मीरा को बहुत अच्छा लगा, विशेष रूप से वहां का ग्रंथालय। तो ये हमारा पहला शब्द आया, ग्रंथालय। वहां हर विषय की ढेरों पुस्तकें थी। कांच की बड़ी बड़ी अलमारियों में सजी पुस्तकें मीरा को बहुत भाई। अब ये दूसरा शब्द हमारा आया, कांच। जब भी समय मिलता वह ग्रंथालय में जाकर पुस्तक पढ़ने बैठ जाती। अपनी इस लगन के कारण उसने काफी धन काफी ज्ञान अर्जित कर लिया। अब मीरा का एक ही स्वप्न था, अपने गांव के स्कूल में भी एक ऐसा ही ग्रंथालय खुलवाने का। देखो अब तीसरा शब्द आ गया हमारा, स्वप्न। उसे अपना यह स्वप्न पूरा करना एक पहेली सा प्रतीत होता था। वह दिन रात इसी अधेड़बुन में रहती थी कि मैं कैसे इस स्वप्न को पूरा करूं, कब मैं अपने गांव के स्कूल में भी ऐसी बड़ी बड़ी कांच की अलमारियों में ऐसी पुस्तकें देखूंगी। मीरा अपने गांव के सरपंच से मिली और अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से भी उसने इस विषय पर चर्चा की। मीरा के प्रयास रंग लाए। आखिर में उनके गांव के स्कूल में भी एक बड़ा ग्रंथालय बनाया गया, जिसमें बड़ी बड़ी कांच की अलमारियों में ढेर सारी पुस्तकें सजाई गई। आखिर में मीरा के स्वप्न साकार हुए। मीरा बहुत प्रसन्न हुई और उसने सबको धन्यवाद दिया। शीश नवाना है। अभी ये चौथा प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। तो सेवा में तेरी यहां से लेकर बलिदान में जाऊं, तो आपको ये कविता की पंक्तियां याद करके इन्हें पूर्ण करना है। जो मैंने यहां कॉपी में लिखा है इस प्रकार आपको पूर्ण लिखना है। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। अब ये उपयोजित लेखन में है,
शब्दों के आधार पर कहानी पूर्ण करो। तो यहां पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। तो आप लोगों को इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखनी है। तो मैंने एक कहानी तैयार की है जो मैं आपको बताती हूं। कहानी। मीरा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर गांव में एक भी स्कूल नहीं था। उसके माता पिता ने मीरा का शौक देखते हुए उसे पढ़ने के लिए पास के कस्बे में भेजा। नया स्कूल मीरा को बहुत अच्छा लगा, विशेष रूप से वहां का ग्रंथालय। तो ये हमारा पहला शब्द आया, ग्रंथालय। वहां हर विषय की ढेरों पुस्तकें थी। कांच की बड़ी बड़ी अलमारियों में सजी पुस्तकें मीरा को बहुत भाई। अब ये दूसरा शब्द हमारा आया, कांच। जब भी समय मिलता वह ग्रंथालय में जाकर पुस्तक पढ़ने बैठ जाती। अपनी इस लगन के कारण उसने काफी धन, काफी ज्ञान अर्जित कर लिया। अब मीरा का एक ही स्वप्न था, अपने गांव के स्कूल में भी एक ऐसा ही ग्रंथालय खुलवाने का। देखो, अब तीसरा शब्द आ गया हमारा, स्वप्न। उसे अपना यह स्वप्न पूरा करना एक पहेली सा प्रतीत होता था। वह दिन रात इसी अधेड़बुन में रहती थी कि मैं कैसे इस स्वप्न को पूरा करूं, कब मैं अपने गांव के स्कूल में भी ऐसी बड़ी बड़ी कांच की अलमारियों में ऐसी पुस्तकें देखूंगी। मीरा अपने गांव के सरपंच से मिली और अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से भी उसने इस विषय पर चर्चा की। मीरा के प्रयास रंग लाए, आखिर में उनके गांव के स्कूल में भी एक बड़ा इस विषय पर चर्चा की मीरा के प्रयास रंग लाए आखिर में उनके गांव के स्कूल में भी एक बड़ा ग्रंथालय बनाया गया, जिसमें बड़ी बड़ी कांच की अलमारियों में ढेर सारी पुस्तकें सजाई गई। आखिर में मीरा के स्वप्न साकार हुए। मीरा बहुत प्रसन्न हुई और उसने सबको धन्यवाद दिया।